खम्मा खड़ी पुष्कर राजस्थान में आपका स्वागत है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं पुष्कर जाने के लिए और अभी बज रहे हैं 2। तो चलिए क्या क्या करते हैं हम लोग आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो। वो भी सो गया है और काफी टाइम से हमारा प्लान बन रहा था, तो इस वीकेंड हम जा रहे हैं पुष्कर राजस्थान जिसको लगते हैं अहमदाबाद से 8 घंटे। 8 घंटे और कितना किलोमीटर है? 550। 550 किलोमीटर है और हम लोग काफी टाइम से प्लान बना रहे थे पुष्कर जाएंगे, बट आज हम लोग का इतना हेक्टिक शेड्यूल रहा है ना, मैं सुबह से मैं भी बिजी थी और पिंकू भी बिजी था। किसी को नींद आ रही बहुत ज्यादा और लिटरली हम लोग का प्लान कैंसिल ही होने वाला था। हम लोग बैठ के अभी बहुत देर से सोच विचार कर रहे हैं कि चले कि नहीं चले, बहुत थके हुए, नींद आ रही है। ये हमारी मंडली है, पूरा पार्लर से मुंह चमका के आई है कैनवी जी। ऐसा लग रहा है कि बस कल उनकी शादी है और मेरी मॉम इतनी प्रीटी लग रही है। जादू दिखाओ ऐसे करके, पूछ दो खाने पे, अभी पता चल जाएगा पूरा। इतनी दोपहर 2 बजे भी, आई मीन दोपहर क्या होता है, रात के 2 बजे भी इसने ब्लश ऑन वगैरह सब लगा लिया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलो कोई नहीं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। रात को अच्छी नींद लेने के बाद खूबसूरत सफर हम एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह सीधा उदयपुर में चाय की टपरी पे रुके, चाय पी और फिर आगे चल दिए क्योंकि सफर बहुत लंबा था। मॉर्निंग गाइस फ्रॉम उदयपुर और हम लोग हैं उदयपुर क्रॉस करते हुए और ये उदयपुर का बहुत ही बड़ा मॉल अर्बन स्क्वायर और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं। रास्ते में व्यू अगर आप आते हो तो जरूर रुक के देखना क्योंकि बहुत ही बढ़िया व्यू है। मैं तो एक मौका नहीं छोड़ती हूँ, जहाँ भी कुछ अच्छा दिखता है मैं जरूर रुकती हूँ। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें बीचों बीच खड़े होके और ट्रक ड्राइवर लोग हम लोग को देख रहे हैं और वो देखो वो व्यू कितना प्यारा है। और इधर इधर एक चीज दिखाते, वो देखो वहाँ पहाड़ों पे एक मंदिर छोड़ रहा था। आप जो दूर से शिवा का स्टैचू देख रहे हैं ये उदयपुर में अभी लेटेस्ट बना है, स्टैचू ऑफ बिलीफ बोलते हैं इसे। हम जब उदयपुर घूमने गए थे तब ये नहीं था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, गो कार्टिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो आप आओ तो ज़रूर जाओ यहाँ पे। और हमारा पुष्कर बस अब आ गया है और मैं आपको होटल दिखाती हूँ। होटल एक देखा है तो आइए देखते हैं कैसा। अब ये होटल हमने फाइनल नहीं किया है, बहुत सारे होटल्स, पैलेस, रिजॉर्ट हम देखेंगे और फिर फाइनल करेंगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हम कौन सा होटल फाइनल कर रहे हैं। सच अ नाइस रूम। अभी हम रंग महल पुष्कर, पुष्कर का एस निकल, राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही है, जैसे मैं अपने महल में आ गई हूँ। आप हमें किसी भी पैलेस और रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल चाहिए था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इस वजह से हमने वो फाइनल नहीं किया। तो दोस्तों काफ़ी रॉयल पैलेस तो था ही और ऐसा लग रहा था कि हम किसी हॉरर मूवी की शूटिंग करने के लिए आए हैं। रिजॉर्ट इसको देखते हैं कैसा है, रबाई ये भी अच्छा लग रहा है।
मैच चालू है इंडिया पाकिस्तान का, वो भी हमारे मोटे रहता इस बाजू में ही रहते हैं हम, उधर मैच छोड़ के हम पुष्कर आए। ये रवई रिजॉर्ट तो मेरा दिल आ गया था इस पे, और ये भी हम लोगों के मन मुताबिक था, हम जैसा चाह रहे थे वैसा था। बस एक प्रॉब्लम आ गई थी कि इसमें सिंगल रूम नहीं दे रहे थे और हमें डबल रूम नहीं चाहिए था, हमें सब लोग एक साथ ही चाहिए थे 4-5 लोगों के लिए चिल करने के लिए, बट इस वजह से हम लोग यहाँ नहीं रुके। हो रहा है मस्त, और खाना आ गया है हमारा, हमने मंगवाया है पालक पनीर और रोटी, वो भी नहा लिया है। सबसे पहले जो होटल हमने देखा था हम उसमें ही स्टे कर रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होटल था। अभी इन लोगों ने बताया है जैसे कि आप देख सकते हो पूरी शाम हो गई। मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आज हमें कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करना है। 3 जगह हमने आज डिसाइड की है, मंदिर, सरोवर और यहाँ का बहुत ही अच्छा मार्केट जो कि वर्ल्ड फेमस है। यार हम अभी 6-7 बज रहे हैं, अभी निकले, ठंडा ठंडा मौसम है, मस्त है। ब्रह्मा टेम्पल आओगे तो आपको 320 मार्केट मिलेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे ऐसा पहले सरोवर जाना, हाँ? फिर मंदिर आना, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना वो स्थापित है, पहले जल का छीटा लगता है, प्रोक्षण होता है, फिर मंदिर जाया जाता है। यहाँ पे पहले आप कभी भी आओ ना तो पहले सरोवर घूमो, फिर जाओ ब्रह्मा जी का टेम्पल, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है ना वो श्रापित है, और यहाँ पे आपको ब्राह्मण मिलेंगे 50 रुपीज में जो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं सरोवर। मार्केट एक्सप्लोर करते हुए आप सरोवर के तरफ बढ़ सकते हो, प्रसाद भी आप लेना। और सरोवर में जाने से पहले मैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ, बाद में भी मैं बहुत अच्छे अच्छे मार्केट एक्सप्लोर करने वाली हूँ। अभी चलो देखते हैं ये सारी प्यारी ड्रेसेस। ये वाली ड्रेस कितने की भैया? 950। हाँ, 950। थैंक यू। ये बैग्स देखो, ये बैग्स भी बहुत प्यारे पड़े। हाँ चूड़ियां हैं ये, अच्छा मेरे को कुछ कलश सजाने वाला, कितने की है ये? मैची है ना? पुष्कर सरोवर, जिसे ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं। आइए यहाँ पे साइड साइड में छोटी छोटी नॉर्मल।
आते तो और अच्छा आता व्यू यहाँ से। अभी पहाड़ वहाड़ कुछ दिख नहीं रहे, पर कोशिश करेंगे थोड़ा सुबह आएंगे। हाँ यश, सुबह आएगी और अच्छा है। जब हम पुष्कर गए थे तो उस टाइम पितरपक्ष का टाइम चल रहा था और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करवा रहे थे। यहाँ पे आपको पुजारी मिल जाएंगे, बाबा लोग मिल जाएंगे, बैठ के आप पूजा करवा सकते हो शांति के लिए। तो मम्मी भी क्यों पीछे हटी, उन्होंने भी पूजा पाठ करवाया अच्छे से शांति के लिए। और ओवी भी था, मैं भी थी, पूरी फैमिली हम लोग वहाँ पे ही खड़े थे और अच्छे से पूजा पाठ हमने कराई सरोवर में। और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था, इतना अच्छा लग रहा था। सरोवर के पास मैं कुछ देर तक बैठी भी थी, बहुत अच्छा लगा। पुष्कर की ड्रेसेस और मालपुए बहुत ज्यादा फेमस है। ड्रेसेस तो इनफाइनाइट थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं ट्राई कर करके देख रही थी। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना अच्छा मार्केट था, ऐसा लग रहा था कि रात भर घूमते रहो, शॉपिंग करते रहो। ये जो शर्ट है इसका कलर बहुत ही प्यारा था, ये कैनवी ने लिया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट एक ही पीस बचा था तो स्टिल उसने ले लिया, मैंने बोला कोई नहीं चलो। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी थी, जंग ज्वेलरीज भी बहुत प्यारी प्यारी थी, स्टेटमेंट इयररिंग्स थे जो कि मैंने लिए हैं। ब्रह्मा टेंपल के दर्शन अब हम जा रहे हैं करने, क्योंकि मंदिर बंद हो जाएगा 9 बजे से। पहले पहुंच गए, 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है और बिल्कुल भीड़ नहीं है। प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है और अंदर बिल्कुल कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगी मंदिर के ग्लिम्प्स। ब्लू कलर का कितना प्यारा सा मंदिर है ना, ये ब्रह्मा टेम्पल है ये, और यहाँ पे अंबे माँ का भी मंदिर था। वॉल भरी पड़ी है, ये रही है भी, आप लगा सकते हो। हाँ। कि लगा लो, लगा। कोई तो मान्यता होगी, यहाँ सब बिंदी चढ़ाते हैं, बिंदी का पैकेट लेके, आप देख रहे हो कितनी सारी बिंदियां हैं, तो सब लोग यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो हम सब भी लगाने लगे, ओवी भी लगाने लगा। मंदिर में एक भैया ने बताया कि सामने ममता रेस्टोरेंट है, वहीं पे जाना, प्योर वेज खाना मिलेगा और टेस्टी मिलेगा, तो हम सब वहीं पे आ गए। और आप अगर आते हो तो यहीं पे आके खा लेना, खाना अच्छा था। और हमने राजस्थानी डिश दाल बाटी चूरमा भी मंगाया, ये मुझे बता रहे हैं भैया कि कैसे खाते हैं। दाल बाटी चूरमा का भी एक प्रोसेस होता है, मतलब दाल में बाटी को तोड़ते हैं, ऊपर से चूरमा डालते हैं, घी डालते हैं, फिर खाते हैं, तो वो बता रहे थे मेरे को। खूबसूरती देखो राजस्थान की, मैं हर एक चीज़ कैप्चर कर रही थी यार। बहुत ही मजे की आज पुष्कर में, बहुत जा रहे हैं जगह। और कॉफी कॉफी।
अभी कॉफी पीने का मन हुआ तो वही हम रिसेप्शन है। डे टू आपके पास जल्दी ही आएगा और काफी अच्छा रहना यश हम लोग का आज का दिन। हमने ब्रह्मा टेम्पल देखा, पुष्कर लेक देखा, पुष्कर मार्केट देखा, बहुत ही अच्छा मार्केट था, खूब सारा खाया और अभी हम आ गए हैं अपने रूम में। तो डे टू की सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँगी डे टू वाले ब्लॉग में। कल भी हमारा बहुत सारा प्लान है, वो सरप्राइज है। चाय और कॉफी तो चलता रहता है, तो रात के बज रहे 10:30 और हम लोग और जीजू ने अब भी चाय पी है। हाँ मतलब खाना खा के आने के बाद हो ही जाता है ना। और ये मेरे जो मोटापे का रीजन है, जो 1-2 kg मैंने गेन किया है वो इसी कॉफी की वजह से। दोस्तों आप बताना कि मैंने वेट गेन किया है ना पहले से, आप देख सकते हो। और ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताना। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा था, मिलते हैं कल। चलो डू टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज Watch this one. Good.